भारत की सरकार द्वारा बनाए जा रहे 3 ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया में आज तक नहीं बने। दोस्तों, हाल ही में हमारे परिवहन मंत्री ने ऐसी ट्रेन में सफर किया है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन को हाइपरलूप ट्रेन भी कहा जाता है। ये ट्रेन पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती है, लेकिन भारत में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसे बनाने का काम शुरू हो गया है। अगर मुंबई से दिल्ली के बीच हाइपरलूप शुरू हो तो 18 घंटे का सफर महज 1 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे भी होगा। इसे बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा, जो 1300 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं अब भारत के बुलेट ट्रेन के ब्रिज के ऊपर ट्रैक्स बिछने का काम भी शुरू हो गया है और ये ट्रेन जल्दी पटरियों पर दौड़ने लग जाएगी।